हमारे साथ आकाशवाणी सिडनी यहाँ के मराठी रेडियो के ज्येष्ठ कार्यकर्ता शरद कानिटकर है। काका, हाउ डिड यू फील, कैसा लगा आपको मोदी से मिलकर? नमस्कार, नमस्कार। वर्ड पे मत जो लेता है मोदी जी आज यहाँ पधारे हैं। 2014 में आए थे, बाद में यहाँ फिर से आना होगा, आए 2023 में उनका ऐसा दर्शन होगा ये सपने में नहीं देखा था। लेकिन वर्ल्ड फेमस जो नेता है बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमें सब लोगों के, सिडनी के तमाम अपने लोग जो है उनके पीछे है और उनको शुभेच्छा देते हैं। थैंक यू। हमारे यहाँ मराठी एसोसिएशन सिडनी की नीलिमा बेर्डे जी यहाँ पर है आपके साथ। आपको मोदी के साथ शेक हैंड करने के, आप बहुत एक्साइटेड भी थी, आप आई भी बहुत सजधज कर है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दुनिया में सब लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी जैसा नेता हमें मिले, और हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें मोदी जी जैसे पंतप्रधान मिले हैं, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध सब जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें खत्म करने के लिए और एक अच्छा भारत बनाने के लिए, भारत का नाम जग भर में ऊंचा हो, सारे जग में भारत का नाम रोशन हो, सबको लगे कि भारत जैसा देश इस दुनिया में नहीं है। इसलिए जिस तरीके से मोदी जी छट रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और आज उनसे आमने सामने हाथ मिलाकर मिलने का जो मौका मिला है, इससे हमारा मतलब शब्दों में बयां करना बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोग कितना खुश हो रहे हैं। पीएम मोदी जब सिडनी पहुंचे तो ठंड में लोग उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे, और इसी बीच पीएम ने एक छोटी बच्ची से मुलाकात की, और देखिए उससे ये पूछा उन्होंने कि क्या आपको ठंड नहीं लग रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उस दौरान की जब प्रधानमंत्री की उस छोटी सी बच्ची से मुलाकात हुई थी। और देखिए जिस बच्ची से पीएम ने बात की थी, हमारे संवाददाता जितार्थ ने उस बच्ची से बातचीत भी की है, दिखाते हैं आपको। पल्लवी, आप क्यों हैं इतनी देर रात पे नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए? बच्ची भी है, एक झंडा हिला रही है, बेटा इधर आओ जरा आप भी। पहले yes, पल्लवी आप बताइए। तो आज मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने प्रिय मोदी जी से मिलने। हाँ। या तो हम लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ पे रहकर हम इंडिया को बहुत मिस करते हैं। सब लोग बोलते हैं वाओ आपका देश तो बहुत तरक्की कर रहा है, वो सुन के तो एकदम हम लोगों का ऐसा गर्व महसूस होता है। जब से मोदी आए सरकार में हम लोग तो बहुत खुश है, और अगले कितने साल जितने रहते हैं उतने दिन हम लोगों से। ये मेरी बेटी है, आ जाओ गोदी में ले लिया जाए। जरा ये तो दिखाओ आपके हैंड में क्या है। देखिए उसके हाथ में जो झंडा है, भारत का झंडा, वही शायद जोड़े हुए है ये फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट को सेकंड जनरेशन माइग्रेंट, जो कड़ी जुड़ती है वो इसी तरह से है।